वीडियो में हम बात करेंगे इस डिवाइस को लेकर, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मोटोरोला की तरफ से एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का क्वेड रियर कैमरा और 5000 एमएच की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस डिवाइस को लेकर। सो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। तो स्नैपड्रैगन 730G का पावरफुल चिपसेट आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा पावर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको Redmi K20 के जैसा ही परफॉर्मेंस इस डिवाइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही परफॉर्मेंस को पावर देने के लिए आपको 5000 एमएच की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, बट यहां पर आपको 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग में थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है, बट डेफिनेटली यहां पर आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको काफी बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जा रही है। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस की बिल्ड और डिजाइनिंग को लेकर। तो मोटोरोला वन फ्यूजन में आपको मोटोरोला का वही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि हमें मोटोरोला एज प्लस में देखने को मिला था। वैसा ही सिमिलर डिजाइन आपको मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी प्रीमियम देखने में लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बिल्ड और डिजाइनिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके साथ ही गाइस अगर बात करें इस डिवाइस की कैमरे की, तो रियर साइड में आपको 64 मेगापिक्सल्स का क्वेड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलता है। एंड उसके साथ ही आपको 16 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल्स का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको रियर साइड का कैमरा भी काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो 6.5 इंच का आपको एक फुल एचडी प्लस का आईपीएस एलसीडी पैनल इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नॉइस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी स्क्रीन देखने को मिलेगी फ्रंट साइड में, जो कि आपको काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि हम में से काफी लोग जो स्मार्टफोन परचेस करते हैं वो गेमिंग को देखकर ही टाइम में परचेस करते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर गेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बट अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए, तो रिफ्रेश रेट यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो नॉर्मल यहाँ पर आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात करते हैं इस डिवाइस के सेल्फी कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस की यूजर एक्सपीरियंस की। तो एंड्रॉइड 10 के साथ आपको इस डिवाइस के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मोटोरोला में मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगती है। यहाँ पर आपको कोई भी कस्टम यूआई देखने को नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड का फीलिंग देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी एंड्रॉइड 11 लॉन्च होने वाला है, तो आपको इस डिवाइस के अंदर बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही गाइस अब फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस का बेस वेरिएंट जो यूरोपियन मार्केट में देखने को मिला वो है 25,000 रुपीज के करीबन, बट डेफिनेटली इंडिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये डिवाइस जो है वो आपको 15 से लेकर 20,000 रुपए के प्राइस के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको डेफिनेटली 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो आप में से कितने लोग इस डिवाइस को परचेस करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट की, तो 16 जून को इस डिवाइस को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च किया जाने वाला है, और मोटोरोला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पे इसे टीज भी कर दिया है। तो डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा डिस्प्ले और बहुत ही अच्छी बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही में स्टॉक एंड्रॉइड तो है ही, जो कि मोटोरोला को बहुत ही अच्छा और यूनिक बनाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फाइनली थैंक्स।